तो नरेंद्र कश्यप जी, आपसे तो सवाल बनता है, बीएसपी में आप लंबे समय तक रहे, आप तो घर की हर चीज जानते होंगे। आज मायावती जी ने अपनी हार की समीक्षा भी की है, आप लंबे अरसे तक रहे राज्यसभा के सांसद से लेकर विधायक और एमएलसी, कभी ये कल्पना की थी कि बीएसपी की एक सीट आएगी और कांग्रेस की दो सीट? देखिए, बीएसपी की कल्पना करना और ना करना इस समय अर्थहीन है, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं और जिस तरह से देश के बहुत ही यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के उन तमाम लोगों के लिए जो अंत्योदय की योजना का लाभ लेने के लिए अपेक्षित थे, उनके लिए काम करके और खास तौर से पिछड़े वर्गों के बड़े समूह को, जो कभी देश की सत्ता में कभी सत्ता के हकदार नहीं बन पाए। किस समूह की बात कर रहे हैं? मैं पिछले समूह की बात कर रहा हूं, पिछड़ा वर्ग। तो ऐसे पिछड़े वर्गों को जो केवल सियासत का मोहरा इस देश में बने। यादव को पिछड़ा वर्ग में नहीं मानते क्या? निश्चित मानता हूं, निश्चित मानता हूं, और भारतीय जनता पार्टी में पिछड़ों के मध्य कोई विभेद नहीं है, कोई अंतर नहीं है। पिछड़ों का अर्थ सभी उन जाति समूहों से है जो हमारी अनुसूची में सम्मिलित है। तो मैं कह रहा था कि पिछड़े वर्गों के लिए जितना व्यापक स्तर पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने काम किया है, हम सब उनके काम से प्रभावित हैं। चाहे ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा देने का विषय हो, कास्ट सेंसस की बात की जाती है, सहयोगी दल जो है आपके, अपना दल, उधर से भी ये मांग अनुप्रिया पटेल ने की थी, तो उस पर क्या करेंगे आप? मैं समझता हूं कि हमारी सरकार बहुत संवेदनशील है, प्रधानमंत्री शक्तिशाली है, उचित समय पर उचित कदम अवश्य उठेगा और हम उम्मीद करते हैं कि हमारी सरकार जो भी जन भावनाओं से जुड़े हुए विषय होंगे उचित समय पर उस पर अवश्य काम करेंगे। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।